सूबे की धामी सरकार स्थानीय महिलाओं को सरकारी नौकरियों में मिल रहे आरक्षण को बरकरार रखने के लिए अध्यादेश लाने पर सहमत हो गई है। कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री धामी को इसके लिए अधिकृत करने के प्रस्ताव को पारित किया गया है। वहीं कांग्रेस ने इस मामले में सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में सही से पैरवी नहीं की, जिससे हाईकोर्ट ने स्थानीय महिलाओं को मिल रहे आरक्षण पर रोक लगा दी है। उन्होंने राज्य सरकार से मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट में महिलाओं के आरक्षण में ठोस पैरवी करें, इसके साथ ही अध्यादेश लाकर राज्य की महिलाओं को आरक्षण देने का कार्य करें। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, महिलाओं को आरक्षण नौकरियों में आरक्षण देने में सरकार असफल रही है। सरकार की पैरवी गलत रही हाईकोर्ट में। सरकार को चाहिए था कि उनके वकील ढंग से पैरवी करते। आप 30% आधी आबादी को आरक्षण देने की बात कर रहे हैं, आधी आबादी का सम्मान करने की बात कर रहे हैं, लेकिन आपने सम्मान करने के बजाय असम्मान करने का काम उनका किया।